स्वागत है। राजस्थान में कोरोना वायरस ने पैर पसार लिए हैं। प्रदेश में कोरोना के आज 18 नए मामले सामने आए। कोटा में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। बीकानेर में एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 579 हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना से अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश के 24 जिलों में कोरोना का दायरा पूरी तरीके से फैल चुका है। प्रदेश में कोरोना के सबसे अधिक मामले जयपुर में अगर बात करें तो आपको बता दें कि 221 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। जोधपुर में 43, भीलवाड़ा में 28, झुंझुनू में 31, टोंक में 27, बीकानेर में 24, जैसलमेर की अगर बात करें तो 27, झालावाड़ में 12 और कोटा में 33, बांसवाड़ा में 24, चूरू में 11, अलवर में 6, साथ ही अजमेर और डूंगरपुर में 5-5 मामले सामने आए हैं। भरतपुर में 9, दौसा में 7, उदयपुर में 4, करौली, पाली और प्रतापगढ़ में 2-2। और आपको बता दें कि धौलपुर, सीकर, नागौर और बाड़मेर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। साथ ही ईरान से लाए 50 भारतीय और इटली के 2 नागरिक भी इनमें शामिल है। प्रदेश में अब तक 72 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। 52 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 22,349 सैंपल लिए गए हैं और साथ ही 20,698 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 1,072 सैंपल्स की रिपोर्ट आना फिलहाल बाकी है। लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। चलिए फिलहाल न्यूज रूम का रुख करेंगे। सहयोगी लोकेश ओला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सरकार भी तमाम प्रयास कर रही है। आंकड़े अभी हमने देखे लेकिन मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को रूबरू करवा दें कि देखिए 579 संक्रमित मरीज हैं, इनमें से कितने लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और साथ ही कितने लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, क्योंकि राहत की खबर पहुंचाना दर्शकों तक हमारी प्राथमिकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से राजस्थान में कोरोना का जो दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है उसी में अब राहत की खबर एक और सामने आई कि 72 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। वहीं 52 कोरोना पॉजिटिव को जो रिपोर्ट आई थी उनको अब ठीक होकर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, जो एक अच्छी खबर कही जा सकती है। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान जिस तरह से लगातार कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है, कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या अब जो 579 हो चुकी है। वहीं अब देश में बात करें तो देश में चौथे स्थान पर राजस्थान आ चुका है। जिस तरह से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली के बाद में अब राजस्थान चौथे स्थान पर है जहां लगातार कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि जिस तरह से प्रदेश में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, इसमें देखा जाए तो राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। हालांकि मौतों की जो संख्या है वो कम है, जो एक राहत की खबर कही जा सकती है। लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना का जो दायरा बढ़ता जा रहा है, चिंता की लकीरें प्रदेश के लिए लगातार बढ़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार समीक्षा बैठक करके जो नया जो फॉर्मूला है कोरोना कंट्रोल करने के लिए वो अपनाने की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह से भीलवाड़ा मॉडल को हर जगह लागू करने की बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से जयपुर के रामगंज और जयपुर के जो चारद्वारी के बाहर के क्षेत्रों में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, ऐसे में एक चिंता की जो विषय है वो बढ़ता जा रहा है। उसी को लेकर अब जयपुर में नया मॉडल बनाने को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है और वो है जनसंख्या के आधार पर जो नया मॉडल है वो यहाँ पर बनाया जाएगा ताकि कोरोना को कंट्रोल में किया जा सके, जल्द से जल्द इस पर जो काबू पाया जा सके ताकि लोगों को इस पर राहत दिलाई जा सके। कोरोना जिस तरह से प्रदेश में बढ़ता जा रहा है इसका दायरा, और उसी को लेकर चिकित्सा विभाग प्रशासन लगातार अपनी इनकी जो पूरी मशीनरी है वो झोंक रहा है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में लगातार कोरोना का जो ग्राफ है बढ़ता जा रहा है उसमें राजस्थान का भी एक बड़ा हिस्सा है उसमें देखा जा रहा है। जी लोकेश, एक चीज और मैं ये जानना चाहूंगी। देखिए भीलवाड़ा का जो मॉडल था वो कारगर साबित हुआ, देश भर में उसकी प्रशंसा हो रही है। ऐसे में आपने बताया कि जयपुर में भी ऐसा कुछ करने का प्लानिंग फिलहाल चल रही है, तो मैं एक और चीज यहाँ पर जानना चाहूंगी कि देखिए कल देर रात तक मुख्यमंत्री की उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई, ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है और बहुत लाजमी सी बात है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। पीएम से वीसी के जरिए जो संवाद हुआ उसके बाद क्या निष्कर्ष निकल के आता है इसके बाद ही देखा जाएगा कि आखिर क्या अगला कदम होता है। लेकिन ऐसे में तमाम जो प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं चिकित्सा विभाग के द्वारा और साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्योंकि अब पुलिस के कॉन्स्टेबल्स में भी कोरोना का असर दिखाई देने लगा है, कोरोना के पॉजिटिव उधर से भी आने लगे हैं, तो क्या क्या फिलहाल कोशिश की जा रही हैं?
जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स जो इनको कहा जा सके, डॉक्टर, नर्सिंग कर्मचारी या चिकित्सा कर्मचारी या बात करें पुलिस से, तो इनमें सब में अब कोरोना के जो पॉजिटिव केसेज है वो सामने आना स्टार्ट हो गए हैं, जो एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। और उसी को लेकर जिस तरह से जयपुर के रामगंज में और या फिर जयपुर के जो माणक चौक थाने में कॉन्स्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसी तरह जोधपुर में भी एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में जो चिंता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। SMS अस्पताल में भी वार्ड बॉय कोरोना का पॉजिटिव मिला है। और उसी को लेकर जिस तरह से जो कोरोना के पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं, जो सरकार है उसी के साथ महकमा है वो लगातार इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से आपने पूछा कि भीलवाड़ा मॉडल को भी लागू करने की बात करें, लेकिन भीलवाड़ा मॉडल जयपुर में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या भीलवाड़ा की और जयपुर की जनसंख्या अलग अलग है। जयपुर में आबादी क्षेत्र ज़्यादा है और उसी को देखते हुए यहाँ पर जनसंख्या आधारित नया मॉडल है वो लागू करने की इनकी सोची जा रही है। जिस तरह से प्रभारी जो जिला का प्रभारी बनाया गया है अजिताभ शर्मा, वो लगातार इनकी जयपुर शहर में दौरा कर रहे हैं, वहाँ का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से जयपुर में नया मॉडल लाया जाए और कोरोना को कंट्रोल किया जाए। उसी का जो नतीजा है वो यह है कि जिस तरह से रैंडम सैंपलिंग की व्यवस्था जयपुर में की गई, उसी को तहत जिस तरह से लगातार जो कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या सामने आई है वो अधिकतर डोर टू डोर सर्वे के दौरान ही, पिछले इनकी एक दिन में जो देखी गई जो पॉजिटिव की संख्या वो डोर टू डोर सर्वे के दौरान लिए गए सैंपलों में ही सामने आई है। बिल्कुल बिल्कुल लोकेश, देखिए तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अगली